Can you please have the finger? नीचे के ऊपर, प्लेयर्स के ऊपर, ग्राउंड के ऊपर, सब पर नजर रखने वाले इस टीम के कैप्टन शरण, कैन यू प्लीज हैव, नहीं होना चाहिए, आप लोग एक मिनट के लिए प्लीज अपने फोन और अपने कैमरा डाउन रखे, कैन वी हैव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज, जोरदार ताली हो जाए गाइस। शरण राजकुमार जानवी, वेलकम, एंड द ट्रेलर इज आउटस्टैंडिंग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बहुत टाइम से मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, मैं ऑडिशन देने कब आ सकती हूँ? पावरफुल पार्टनरशिप की हम लोग बात कर रहे हैं ट्रेलर में, वी आर टॉकिंग अबाउट, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है वुमेन इन स्पोर्ट्स। आप बताइए इस ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ दिस फिल्म, आपकी पावरफुल पार्टनरशिप किन किन लोगों के साथ में रही है जिसने इस फिल्म को एक्चुअली में बनाया है सक्सेसफुल? हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो देयर बीन लॉट ऑफ पार्टनर्स थ्रू द मेकिंग। कैन वी थोड़ा और जोर से, कैन वी, अरे थके हुए लग रहे हैं, क्यों ऐसा खाना नहीं खाया सुबह? हाँ तो फिर तो यार इतना सारा एंटरटेनमेंट, इतना सारा भाई साहब संजोग तो देखिए इन, नाउ प्लीज आपके दिमाग में, दिल में जो भी बढ़िया अमेजिंग प्यार वाले क्वेश्चंस हैं, क्योंकि गाना इतना रोमांटिक है, आप लोग पूछ, आपकी लाइफ में आपका परफेक्ट पार्टनर कौन होगा और कैसे होगा? कौन होगा और कैसे होगा? ऐसा इंसान जो कि मेरे सपनों को अपना सपना, ओके, कैन वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन? आपके मुंह में घी शक्कर लगता है। राजकुमार राव जी, कुछ बताइए इस फिल्म के बारे में, एक्सपीरियंस, गानों के बाद गाना बड़ा अच्छा लगा पंजाबी। थैंक यू सो मच सर, ये दो जादू इधर ही बैठे हैं, जानी और फैज, बहुत प्यारा गाना है, मेरा भी बहुत फेवरेट है, अब हम सुन सुन के पड़े हुए हैं इस सॉन्ग को, और उसको माइक 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 आई थिंक ऑफ कर लिया। गाना बहुत ही खूबसूरत है, तो गाने का प्रोसेस क्या था? गाने का प्रोसेस, आपको क्यों लगा कि मैं सवाल का जवाब दे पाऊंगी? मैं बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं थी प्रोसेस में, बस शूट के प्रोसेस में इन्वॉल्व थी मैं। गाने के प्रोसेस में जानी सर यहाँ बैठे हैं और फैज भी यहाँ है जिन्होंने जादू किया है इस गाने के साथ, तो प्रोसेस का सवाल आपको उनसे पूछना चाहिए। मैडम कैसे बना था गाना, कितना नमक मिर्ची पाउडर, वो अभी हम लोग थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे फैज और जानी सर के साथ में जो कि यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है, बट थैंक यू सो मच फॉर द क्वेश्चन। कैन यू प्लीज आकर, मुझे भी तारीफ करनी है। नहीं, आई थिंक जब हम रूही में भी साथ काम कर रहे थे, वो हमेशा एक गुलाम, इन्होंने ऑनेस्टली मेरा काम बहुत आसान बना दिया था, जैसे कि आपको फिल्म में देखने को मिलेगा कि महेंद्र महिमा को इतना सपोर्ट करता है, हकीकत में भी सेट्स पर भी ऑफ कोर्स हमारे निर्देशक तो थे ही, लेकिन जो सपोर्ट राज ने मुझे दिया है, जो बढ़ावा दिया है, जो हिम्मत दी है, मुझे ऑनेस्टली आई थिंक आई होप इस चीज़ के ज़रिए मुझे लगता है मैं शायद थोड़ी और बेहतर कलाकार बनी हूँ इनकी वजह से। जानवी, हाय राज, जानवी आप दोनों के लिए सवाल है, डायरेक्टर्स के लिए भी सवाल है। जब हम कोई स्पोर्ट्स पर्दे के लिए एक्टिंग के लिए हम करते हैं, शूट करते हैं, तो बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि हमें उसकी आदत नहीं होती है। मेरा सवाल ये है कि आप दोनों के लिए क्रिकेट खेलना, कोच करना, उसके अलावा सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग क्या था शूटिंग के दौरान? ऐसा कोई सीन, ऐसा कोई मौका जो क्रिकेट के अलावा ज़्यादा चैलेंजिंग लगा हो आप दोनों? सर ऑफकोर्स स्पोर्ट्स तो टफ है, जैसा आपने ठीक कहा, पर उसके अलावा बहुत सारे मोमेंट्स हैं हमारी फिल्म में, यू नो, जैसे मैंने पहले कहा था फादर सन की जो रिलेशनशिप हम जो एक्सप्लोर कर रहे हैं हमारी कहानी में, उससे बहुत सारे लड़के रिलेट कर पाएंगे, बिकॉज हम में से बहुत सारे ऐसे हैं, छोटे लाखों करोड़ लोग हैं दुनिया में जो शायद कुछ और करना चाहते थे लाइफ में,
उनका कुछ पैशन था लेकिन फैमिली प्रेशर या सोशल प्रेशर के चक्कर में वो नहीं कर पाए और आज वो कुछ और कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो रिलेट कर पाएंगे, जो शायद अभी भी कुछ करना चाहते हैं पर हिम्मत नहीं जुटा पा रहे उसको अपने पैशन को फॉलो करने के लिए। तो ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स हैं मेरे और कुमुद सर के, जानवी के और उनकी फैमिली के बहुत सारे मोमेंट्स हैं, जहाँ पे ट्रेलर में भी है कि फादर ने बोला डॉक्टर बन जाओ तो डॉक्टर बन गई, बट अपना पैशन क्या था, अपना सपना क्या था वो कभी सोचा ही नहीं। और हम दोनों के स्पेशली आई थिंक मिस्टर और मिसेज माही के आपस में देयर सम रियली ब्यूटीफुल यू नो प्योर मोमेंट्स जो मैं बोलूंगा मेरे करियर के कुछ एक अगर सीन्स निकाल के देखे जाए। स्पोर्ट्स क्रिकेट खेलने के अलावा कोई चैलेंजिंग मोमेंट इस फिल्म में? चैलेंजिंग मोमेंट आई थिंक चैलेंजिंग मोमेंट जैसे कि राज सर ने कहा बहुत सारे मोमेंट्स हैं। अनिल मैम आपने राज सर की बोली क्यों, ये स्टेज पर आके अचानक से सबको सर सर बुलाने का मन कर रहा है? नो यू डोंट गेट सर, आई एम कॉलिंग निर्देशक निर्देशक फॉर सो लॉन्ग निर्देशक जी। ये ऐसे काफी मोमेंट्स रहे थे बट ऑनेस्टली जैसे कि राज ने पहले भी कहा था कि जो एनवायरमेंट शरण सर ने हमारे लिए बना के रखा था सेट पे, उस चीज़ ने हमारे काम को थोड़ा और आसान बना दिया था, लेकिन हर मोड पर हर सीन के वक्त आई थिंक हम सब की गुंजाइश ये थी कि हम सच्चाई को बड़े पर्दे पर लाने की कोशिश कर सके, हम वी वर ट्राइंग टू बी एज ट्रूथफुल एंड एज ऑनेस्ट एज पॉसिबल। तो आई थिंक वो चीज़ की ढूंढ हमेशा रही थी पूरे फिल्म में। कई बार मुश्किल हो जाता था क्योंकि ऑफकोर्स शूट स्ट्रेसफुल होता है, लेकिन जब मैंने फिल्म देखी थी तो मुझे भी काफ़ी, अभी आप ऐसे सवाल पूछ रहे ऐसे लगने लगा कि मैं बस अपनी फिल्म की तारीफ कर रही हूँ, लेकिन कई बार होता है कि डायरेक्टर उस एक्टर को काफ़ी रिपीट करते हैं। आपने गुंजन सक्सेना में जानवी के साथ काम किया था, वो क्या बात थी कि आपको लगा कि इस फिल्म में भी इस रोल के लिए जानवी को लेना चाहिए और राजकुमार को आपने चूज किया, कुछ बताएंगे इसके बारे में? मैंने तो ऑप्शन ही नहीं दिया है। सो यू नो ऑनेस्टली आई थिंक राज एंड जानवी are the best fit for my... A little bit about method dressing that you spoke about recently, and we have been seeing a lot of that, you know, in during promotions even today. And you also spoke about how you were inspired by Zendaya and Urfi for the same. Can you tell us a little bit about that, and if you did give Raj any feedback in terms of styling? I offered him a couple of sometimes. Who says I'm not? Excuse me, ma'am, here. Sir, first of all, lovely song. And my question is for Janvi and Raj. Sir, ye song aisa lag raha hai ke kahani ko aage lekar ja raha hai, right? So like, how was it shooting this song? Like, situation kya tha and how was your experience shooting this? It's always fun shooting a... Fun and make moments yourself. माही की बात होती है तो हर किसी को एक ही नाम याद आता है, महेंद्र सिंह धोनी। सो आप दोनों उनके कितने बड़े फैन हैं एंड क्या आप लोग उन्हें ये फिल्म दिखाने वाले हैं माही मिसेस खान? हम क्या पूरी दुनिया उनकी बहुत बड़ी फैन है, बहुत ज्यादा पसंद है हमें माही सर और हम बहुत प्यार करते हैं उन्हें। ऑफ कोर्स कौन नहीं है उनका फैन, उन्होंने हमारे देश के लिए जो किया, क्रिकेट के लिए जो किया। और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि सिर्फ क्रिकेटर होने के अनुसार हम उनसे प्यार नहीं करते, बन गया था जहां उन्होंने कहा कि नतीजे के बारे में नहीं है, प्रोसेस के बारे में है। अगर आप प्रोसेस को ईमानदारी से निभाओगे, मेहनत करोगे तो नतीजा अपने आप दिख जाएगा, और ना भी दिखे तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये पूरी फिल्म आई थिंक उस एक महेंद्र सिंह धोनी की लाइन पे बनी हुई है, एंड आई होप हम उनके फिलॉसफी को ठीक तरह से ऑनर कर पाएंगे। और ऑफ कोर्स हम उन्हें ये फिल्म दिखाना चाहते हैं उनको और उनकी वाइफ को, लेकिन वो काफी बिजी है आई एम श्योर, बट वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट। आप भी हेल्प कर लीजिए। नो वन आस्क्ड मी बट सिंस इट्स अ पब्लिक प्लेटफॉर्म, आप लोगों को उनकी कौन सी क्वालिटी बहुत ही ज्यादा पसंद आती है? आई थिंक जो रियल जो एक ट्रू स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है ना, वो उनमें बहुत ज्यादा दिखती है, जिस तरह से वो सिचुएशंस में डील करते हैं। आपने उन्हें ट्रेन करना यू नो दिखाया है फिल्म में, तो शरण ने आपको कितना थ्रेशोल्ड दिया है कि भाई आप भी क्रिकेट कितना सीखे हैं, कितना आपने मेहनत की उसके पीछे? क्योंकि मैं गुड़गांव से हूं तो हमारे रिसेंटली वी आल्सो सॉ यू एट आईपीएल मैच, आई मीन यू वर देयर एंड यू लाइक यू नो
वीडियो वेंट वायरल आप बाल खोल रहे हो आप वापस जा रहे हो एनी मेमोरी विच यू हैव यू नो फ्रॉम योर क्रिकेट डेज और यू नो व्हेन यू वर अ किड वेयर यू वुड लिटरली इंसिस्ट योर पेरेंट्स टू गो फॉर क्रिकेट एंड यू नो रिकलेक्टिंग दैट व्हेन यू वर वर्किंग फॉर दिस फर्म कैन आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू आई नो वेरी लिटिल अबाउट द स्पोर्ट एंड फॉर मी द स्पोर्ट वाज जस्ट समथिंग दैट वुड टेक माई फादर्स टाइम अवे फ्रॉम मी सो क्योंकि शाम को जब भी वो काम से घर पे आते थे वो टीवी के सामने मैच देखने के लिए बैठ जाते थे और जब भी मैं उनसे कोई भी सवाल पूछती थी तो वो बोलते थे एक सेकंड मैच ये तो वो उसमें इतने घुसे हुए थे मैं बहुत चिढ़ जाती थी तो वही एसोसिएशन था एक क्रिकेट से कि ये स्पोर्ट ना यही वजह है कि पापा मुझे अटेंशन नहीं देते थे जब वो काम से आते थे एंड दैट वॉज रियली माई ओनली रिलेशनशिप विद द स्पॉट आई थिंक जब मेरे दोस्त जाते थे मैचेस के लिए तो मैं भी कूल बनने के लिए जाती थी उनके साथ और ऐसे एक्टिंग करती थी कि हाँ हाँ बड़ा समझ आ रहा है कि क्या हो रहा है हकीकत काफ़ी अलग थी और नहीं मैंने स्टेडियम में बचपन में इतने मैच नहीं देखे मैंने एक रणजी ट्रॉफी मैच देखा राज और जानवी आपसे सवाल था राहुल हियर फ्रॉम द फिल्मी चर्चा जनरली देखा जाता है धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म में कि करण सिर्फ खुद पहुंचते हैं चीयर्स करने के लिए सपोर्ट करने के लिए अभी मौजूद नहीं है वो क्या जब पता चला आपको नहीं आ रहे इवेंट में क्या रिएक्शन था कितना मिस कर रहे हैं आप दोनों नहीं ऑफ कोर्स वो नहीं है शहर में नहीं है इस कारण उसको नहीं आ पाए लेकिन सॉन्ग लॉन्च आज होना ही था तो ही इज लाइक यू नो गो अहेड एंड डू इट विदाउट मी ऑफ कोर्स आई एम श्योर ही इज मिसिंग इट बैडली वी आर आल्सो मिसिंग हिम बैडली आई विश यहाँ पर होते तो और ज़्यादा मज़ा आता है वो और आपको यू नो थोड़ा एनेक्डोट्स दे पाते हैं अबाउट प्रेप एंड व्हाट ही थॉट व्हेन ही फर्स्ट हर्ड द आइडिया फ्रॉम शर जान भी आप ऑफ कोर्स उनकी बहुत याद आ रही है वो भी आई थिंक आई नो ही विशेस ही वाज हियर बिकॉज़ आई नो हाउ मच ही बिलीव्स इन द फिल्म एंड हाउ मच ही वांटेड टू बी हियर So yeah, I know that he's coming back. So much guys. All right, आप लोग जिस चीज के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और आप लोगों को गाना भी बहुत अच्छा लगा बट गाना किसने बनाया है कैसे बनाया है किसकी खूबसूरत आवाज है किसका खूबसूरत कॉम्पोजिशन है हम उनके बारे में बात करने वाले हैं कैन यू प्लीज हैव जानी पाजी स्टेज पर एंड फैज प्लीज आइए और जिन जिन लोगों को अपने दिमाग में ये जो क्वेश्चन आप लोगों ने सोचा था कि कैसे बना है म्यूजिक और इसके पीछे क्या इंस्पिरेशन थी इसके बारे में आप लोग बात कर सकते हैं गाइस कैन वी प्लीज हैव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर जानी बाजी एंड फैज सर ने कंपोजिशन की थी और अ बिग थैंक्स टू करण सर जिन्होंने अलाउ करा कि हम ये गाना कर सकते हैं और इतनी बड़ी फैज रियलिटी टीवी स्टार यूट्यूब सेंसेशन पहली बार गा रहे हो बॉलीवुड में कैसा लग रहा है कैसी फीलिंग थी जब तुम्हें कॉल आया और सेलेक्ट किए गए तुम इस गाने के लिए व्हाट वाज दैट फर्स्ट थॉट जो कि तुम्हारे दिमाग में आया शुड आई स्टार्ट देखा तेनू ना जे तेरे तेरा पूरे चटक ना पाए ते फिर मैं तेनू ही तक्का ढोलना तू जदों तेरी जुल्फां नू खोलिया मेरे कोलो गया नहीं जे बोलिया मेरी तू कमी हो गया दिल जानिए आए मैनू की हो गया थैंक यू सो मच जादू है that word जादू ओके एक अंतरा था जो अभी उसमें पिक्चराइजेशन में नहीं था तो वो मैं यहाँ गा देता हूँ ये महल मुनारे सूरज तारे हमसे परे ले जाइए मैं तेरी तू मेरा और नहीं कुछ चाहिए ये महल मुनारे सूरज तारे हमसे परे ले जाइए मैं तेरी तू मेरा और नहीं कुछ चाहिए आइए जी आइए मेरे पास इतना आइए नजरें मिला के मेरे हाथ चूम जाइए ओ मैनू ऐसा नशा चढ़ा ते ढोलना जो सीधा मैनू रब ना मेरा ढोलना
फैंटास्टिक फैन. अब आप लोग आकर के फोटो जानवी सेम पोस थोड़ा ये साइड में. क्या बात है. अरे अभी सोलो जानवी राइट से राज जानवी जानवी राइट झाला आवाज जानवी घोष जानवी राइट यहाँ पर डन यस राज भाई लव यू राज श्रीकांत है. श्रीकांत बचाओ मूवमेंट. और कौन बचा है. जानवी जी पीछे देखिए. चलिए थैंक यू. थोड़ा पीछे थोड़ा पीछे चलो थैंक यू. थोड़ा रास्ता देना साइड भाई देखो थोड़ा रास्ता देना गाड़ी के लिए प्लीज. थोड़ा सा ये गाड़ी इतने जानवी जी मैं